स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है, टिक टिक टिक, जिसमें मैंने आपको कल पेज एक्सप्लेन किए थे 38, 39 एंड 40। ओके, आई होप कि उसमें जो भी एक्टिविटीज थी वो आपने आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइमली वो सॉल्व किया है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व पेज नंबर 41। ओके, पेज नंबर 41 पे आपको बोला है लेट्स लुक एट ए क्लॉक अगेन एंड सॉल्व दिस, कि आपको फिर से आपको क्लॉक ऑब्जर्वेशन करके टाइमिंग का जो आपको क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट द मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू अगेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या बोला इसमें? मिनट हैंड्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से, और वो 1 राउंड कंप्लीट करके वापस कहाँ आएगी? 2 पर ही आएगी। तो वहाँ पे ड्यूरेशन, उसका 1 राउंड कंप्लीट करने के ड्यूरेशन में कितनी मिनट्स होंगी, तो हम काउंट करते हैं। 2 से पहले आएगी वो 3 पे, फिर 3 से 4, 4 से 5, 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10, 10 टू 11, 11 टू 12, 12 टू 1, फिर 1 टू 2। ओके, अब हमें ये भी पता है इन 2 नंबर्स के बीच में से 1 से 2 के बीच में कितनी मिनट होती है? 5 मिनट्स होती है। अभी काउंट कर रहे हैं यहाँ से 5, 10, ऐसे आप कंटिन्यूटी राउंड को काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 60 मिनट्स। कितनी मिनट्स आएगी? 60 मिनट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स या 1, बट आपको आंसर किसने पूछा है? ये मिनट्स नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द अर्थ एंड डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। कि सिमिलर आपको ये पूछा था मिनट हैंड का, अब आपको पूछा अर्थ हैंड का क्या होगा जब वो 1 नंबर से अनदर नंबर पे आए। जैसे यहाँ पे है अर्थ का 4 पे है, 4 से वो कितने नंबर पे आएगी? 5 नंबर पे आएगी। तो कितना टाइम होगा? हमें पता है यहाँ पे किसका हैंड है? 1 आर का, मतलब आर का हैंड है ये। तो इट मीन्स आर के हैंड की मूवमेंट में जो मिनट्स है वो मिनट का हैंड का तो क्या होगा? एक कंप्लीट राउंड होगा, और आर्स के हैंड का ओनली 1 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितने आर होते हैं? 1 आर। तो आप इसमें कितने लिखेंगे? 1 आर। नेक्स्ट है, सी लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 आर टू कंप्लीट। कि अपने आपको ऑब्जर्व करनी है कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिनमें हमें 1 आवर्स का टाइम लगता है। तो आप एक्टिविटी कुकिंग फूड, खाना बनाने में अराउंड ऑफ 1 आवर्स लगता है। वॉचिंग ए कार्टून, जब आप अपने कार्टून शो देखते हैं तो उनमें भी 1 आवर का टाइम होता है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, जब हम प्लेइंग करते हैं तो भी इजीली हमें 1 आवर्स लगता है। डूइंग होमवर्क, होमवर्क करते हैं सारे सब्जेक्ट्स का, तब भी आपको अराउंड ऑफ 1 आवर का टाइम लगता है। गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, अगर आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं सबसे पहले आप मॉर्निंग से लेके जब तक आप स्कूल बस तक जाते हैं तो आपको भी कितना टाइम लगता है? अराउंड ऑफ 1 आवर। तो ये 5 एक्टिविटीज है, आप यहाँ पे नाम मेंशन कर देना। नेक्स्ट देखिए रखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। कि जब हम डिनर बनाते हैं या अपनी मम्मा डिनर बनाती है तो उनको कितना टाइम लगता है? मोर देन एन 1 आवर या लेस देन? तो कॉमन है ये कि जब भी खाना बनाते हैं डिनर का, लंच का, तो वो मोर देन 1 आवर का ही टाइम होता है, लेस देन तो नहीं होता। तो आप किस पे टिक कर देंगे? मोर देन एन आवर। ओके, नेक्स्ट है, आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। कि आपके पापा से आप पूछें कि क्या वो आपकी मम्मा से भी फास्ट खाना बना सकते हैं? नो। तो ये आंसर क्या होगा? नो। विच गेम टेक लेस देन एन आर टू फिनिश है? लेस देन, कि ऐसे कौन कौन से गेम्स होते हैं जिनको आप 1 आवर से भी पहले में कंप्लीट कर सकते हैं? तो कार्ड्स है, कार्ड्स खेलते हैं तो हमें 1 आवर से भी हम टाइम में हमारा 1 गेम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जो तंबोला होता है उसको भी हम 1 आवर से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच है उसमें कितना टाइम लगता है? उसके उद्देश्य का टाइम होता है 90 मिनट्स। कितनी मिनट हो गई? 90 मिनट्स।
नेक्स्ट पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे बोला है रियाज रानीज डायरी, कि एक रानी है उसकी स्टोरी आपको बताई गई है। कम लेट अस गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर, की रानी है उसके एक बेबी सिस्टर है घर में, तो वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि चलो मेरी बेबी सिस्टर को देखते हैं। तो वो घर पे जाके अपनी मदर को बोलती है माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, कि मैं उसके लिए क्या लाई हूँ स्वीट्स लाई। उसकी मम्मा बोलती है बट शी कांट ईट सी इज टू स्मॉल, कि वो तो बहुत छोटी है वो अभी स्वीट्स नहीं खाती। एंड शी डज नॉट इवन टॉक, और ना ही वो बोलती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज स्लोली एज शी ग्रो, तो उसकी मम्मा बोलती है ना तो वो किसी से बात करती है ना वो कुछ खाती है, जैसे धीरे धीरे बड़ी होगी वैसे वैसे वो अपनी एक्टिविटीज धीरे धीरे स्टार्ट करेगी। ये हम भी हमारे घर में जो छोटे बेबीज होते हैं वो देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट उसकी डायरी में उसने क्या टाइम कैसे मेंशन कर रखा वो बताया हुआ पेज नंबर 43 के, जैन से लेके नवंबर दिसंबर मंथ तक आपको बताया हुआ है कि मुनिया बोल रही है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी वैन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। वो बोलती है कि मैंने मेरी डायरी में सब कुछ नोट किया है उसकी फर्स्ट एक्टिविटी से का, कि उसने फर्स्ट क्या खाया था, कब से उसने बोलना स्टार्ट किया था ये सब। ओके, तो फर्स्टली वो बोल रही है 5 मार्च 2005 मुनिया बोर्न टूडे, तो 5 मार्च को तो वो बोर्न होती है। फिर उसके नेक्स्ट बताया है 15 सितंबर को मुनिया गॉट अ फर्स्ट टूथ, कि उसके दांत मतलब टूथ के बारे में बताया हुआ है। 10 नवंबर मुनिया सेटअप, 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्ट ड्राइंग, 5 जनवरी मुनिया स्टूड अप, 5 सितंबर मुनिया स्टेक बनाना, और 2 फेब मुनिया स्टार्ट वॉकिंग। अब आपको यहाँ पे उसके बता दिया आपको पूरा जो जो भी उसने ऑब्जर्व किया है उसने डायरी में मेंशन कर रखा है अलग अलग डेट्स का है वो सारा। अब आपको नीचे बोला है मेक दीज इन द इन दैट करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइमलाइन, कि जो मुनिया की टाइमलाइन बनाई है उसमें आपके लिए ओनली 1 डेट आपको मेंशन करके दिखे रही है, सिमिलर आपको उसको कंप्लीट करना है करेक्ट ऑर्डर में। करेक्ट ऑर्डर मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले वो बोर्न हुई फिर उसने कौन सी एक्टिविटी की, ऐसे आपको डेट के अकॉर्डिंग लिखना है ना कि आपको यहाँ पे जो पेज में लेके रखा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसे ये 9 मार्क थी उसमें आपको यहाँ पे रेड मार्क भी दिया हुआ लिखी हुई डेट 5 3 मार्क 2005 क्या था उस डेट को फोर्स बोर्न, तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए फोर्स बोर्न। उसके नेक्स्ट क्या डेट आइए, तो उसके नेक्स्ट आइए आपको नेक्स्ट डेट आपको देखे रखी है 5/9 कि उसने 5/9/5 तो आप लिखेंगे नेक्स्ट डेट में 5/9/5 और 5/9 को उसने क्या किया था या कौन सा स्टेप उसने किया था, तो 5/9 को आपको देखे रखा है उसने ईट बनाना, कि उसने सबसे पहले 5 ईट को क्या कहा था बनाना, तो उसकी एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे बनाना। नेक्स्ट डेट आएगी आपको 15/9/15 15/9/5 तो उसको क्या था गोट हर फर्स्ट टूथ, कि उसको फर्स्ट टूथ थे। ओके, ऐसे ही आपको मैंने आपको 3 एक्सप्लेन की हैं, अभी आपको सेल्फ ऑब्जर्व करके कि लंबर लाइन है आपको अपने नोटबुक में सॉरी यहाँ पे बुक में इतना स्पेस नहीं है कि आपके लंबर लाइन पूरा कंप्लीट एक प्रॉपर वे में आप शुरू कर सकें, तो आपको ये अपना इसमें करना है नोटबुक में करना है, ये आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट बोला है मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर, यस हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, कि जब उसके फर्स्ट टूथ थे तो वो कितने मंथ्स की है कितने टाइम ओल्ड की, तो उस टाइम थी वो 6 मंथ्स एंड 11 डेज, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे 6 मंथ्स एंड 11 डेज। ओके, नेक्स्ट है इसी में हाउ मेनी मंथ्स हैज पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, कि मार्च से लेकर सितंबर तक कितने मंथ पास होते हैं, तो मार्च टू सितंबर हो गया काउंट कर लें तो मार्च टू सितंबर हो गए 6 मंथ, तो आप क्या लिखेंगे 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वॉज मुनियाज वैन, कि जो एक्टिविटी बता दी आपको अब आपको बताना है कि उस ड्यूरेशन में वो कितनी मतलब कितने मंथ्स की थी। सी फर्स्ट सेट अप,
तो तब वो थी 8 months 6 days, इतनी 8 months 6 days. नेक्स्ट है सी गोट हर फर्स्ट टूथ, देन उस टाइम की 6 months 11 days, कितना 6 months 11 days. एंड लास्ट है व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, आपको इनको ऑर्डर करना है, इनको अरेंज करना है. जैसे फर्स्ट आपको देखे रखा है उसके अकॉर्डिंग वॉकिंग ईटिंग ए बनाना ड्राइविंग स्टैंडिंग, तो आपको इनको अरेंज करना है. सबसे पहले उसकी एक्टिविटी फर्स्ट वाले में क्या थी कि ईटिंग बनाना, उसे सबसे पहले बनाना खाना स्टार्ट किया था. फिर वॉकिंग नो, स्टैंडिंग नो, उसके पहले हम देखते ना कि नी की सपोर्ट से बेबी चलता है तो वो एक्टिविटी थी प्रॉविंग, तो सेकेंड नंबर पर वो आएगा, फिर स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग. ओके, ये आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी करना है. मैंने इनको क्लियरली आपको सारे आंसर्स जो भी एक्सप्लेन भी किए हैं, आप भी इसको रीड करके